पर ट्राई तो करती हूँ। जी ये क्या है? हाँ भूल गई थी। इंटरव्यू वाले दिन अच्छे अच्छे डब्बू हो जाते हैं। दरवाजा बंद हो गया तो कोई अंदर नहीं आने देगा। डांस करना है ना? इस फ्लोर पे एक लॉफ्ट है, आज शाम तक वो लॉफ्ट मुझे साफ करके दे दो। अगर तुमने वो लॉफ्ट साफ कर दिया तो ये जॉब तुम्हारी। बाप ने हमेशा इस घर की नाक ऊंची रखी, अभी बेटी की बारी है। चोट तो नहीं लगी? हेलो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे मुझे मदद चाहिए वरना मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारी नौकरी को। क्या हेल्प चाहिए? वो लॉफ्ट में बहुत सारा कचरा है, वो साफ करना है, आज ही करना है वरना मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज। ओके ओके, पर क्लास के बाद चलेगा? क्लास के बाद नहीं, हाँ चलेगा चलेगा, कभी भी चलेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। Enough guys, enough. Sound cut. Everybody come here. ठीक था पर मजा नहीं आया। ऑर्डिनरी, वेरी ऑर्डिनरी, लेट बैक स्टेप्स, ब्लंट इशू था। तुम टेक्निकली परफेक्ट बट अदरवाइज नॉट देयर अपूर्व। मैं तुम्हें अगर एक घंटा ट्रेन भी करूं ना तब भी यू नॉट रीच देयर। क्यों, कभी आप लोगों ने ये सोचा है? मैं बताता हूं, आप लोग डांस को एंजॉय नहीं कर रहे। डांस इज नॉट अबाउट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। डांस इज अ पैशन, एक अपना स्टाइल स्टेटमेंट जो अंदर से निकलता है। हम सबके अंदर बीट्स हैं, हमें सिर्फ उन्हें सुनना है। जब दिमाग लगाना खत्म हो जाता है तब डांस शुरू होता है। That's why I always specify, अपने पार्टनर के साथ always be one। उसकी आंखों में देखकर जो दिलो दिमाग में इमोशंस हैं सब डाल दो। एक्सप्रेस, लिबरेट योर सेल्फ। बेसिकली हैव फन। अब जो लास्ट स्टेप तुमने किया था, I'll just show that to you। You know, take her down and concentrate. Look in her eyes like this. Okay, guys, let's do it again. Oh,
That was good, Apurva. Nice. Class dismissed. डांस काफी अच्छा था। थैंक यू। हाय अपू। एक्सक्यूज अस। वेल आई विल सी यू अराउंड एंड यू टू। ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं। चले लॉफ्ट। यू नो व्हाट अपू, मुझे लगता है कि सिर्फ दो लोगों से काम नहीं चलेगा, हमें और लोगों से भी हेल्प मांगनी चाहिए। कोई नहीं मिलेगा। लालच से भी नहीं? मतलब कुछ लालच देना पड़ेगा, कुछ सच कुछ झूठ। मैं इन सबसे ये कहूंगी कि अगर ये लॉट साफ कराने में हमारी हेल्प करेंगे तो इन सबको रोहन सर की हाफ एन आवर की एक्स्ट्रा क्लास फ्री मिलेगी एवरी वीक। व्हाट? अभी तक वो नहीं आया। वो आएगा? नहीं नहीं आएगा, वो नहीं आया तो। हे अप्पू, क्या हुआ? ये सब लोग रेडी हैं। ग्रेट, उस भेंजी की नौकरी पक्की। मगर वो वादा? वो सब बाद में देखेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स बी हैप्पी। एक मिनट, तुम्हें प्रॉमिस पूरा करना होगा वरना मैं इन सब लोगों को बता दूंगा। ओके बाबा, होगा, कह दिया ना, ट्रस्ट मी। तुम्हें ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। अपू लिसन, अपू। हजारों डीवीडीज, वीसीडीज, म्यूजिक कॉन्सर्ट, ऑसम कलेक्शन है, मजा आ जाएगा। वील बी वेल एंटरटेन्ड एंड माय मोस्ट प्राइज कलेक्शन, my very beautiful LCD TV. Mr. Rohan, आप शायद भूल रहे हैं कि ये ऑफिस है, आपका लिविंग रूम नहीं। मैडम बैठिए, सिट। हम लोग एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में हैं, तो ये सब तो हमारे काम की चीजें हैं। We'll have a good time. You see, देखो मिस्टर रोहन, मुझे आपका टीवी नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि आप मेरे केबिन से बाहर कब निकलते हैं। कहाँ ये सेक्रेटरी? आज अगर इसने लॉफ्ट साफ नहीं किया ना, इसकी नौकरी तो गई। एंग्री वुमन। रूम का नक्शा पलट दिया। आपका ऑफिस? माय माय। ये देखिए, मैंने टेबल कुर्सी सब लगा दिया। ये आपकी फाइल, ये देखिए सर, लगा दिया है। मिस्टर रोहन, शिफ्टिंग में कोई हेल्प चाहिए? आई थिंक आई विल मैनेज, थैंक्स। मेंशन नो फ्लावर गिर गया था। तुमने ये सब किया कैसे? वो तो हाथ लगा और गिर गया। मिस जिया सबरवाल।
वेलकम टू रैग। तुम्हें ये नौकरी मिल गई। All the best. Thank you. मतलब जॉब मिल गया? Great. हम क्यों आप ही को ये दिया? जिया, रोना नहीं। रो क्यों रही हो? ये तो खुशी का मौका है ना। चलो सब फ्रेंड्स को ना थैंक यू बोलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स? कौन फ्रेंड्स? वही जिन्होंने हमारी मदद की थी। वो डांसर्स थे, फ्रेंड्स नहीं जिया। डांसर्स कुछ अलग किस्म के लोग होते हैं। देखो जिया, अब तुम्हें यहाँ रोज आना है, इसलिए एक बात ठीक से समझ लो, यहाँ रैड में दोस्त बनाना इतना आसान नहीं। ऊपर से सब शोशा है, पर अंदर से सब एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। बिना मतलब के लिए कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तुमने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, बल्कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तो मेरी दोस्त हो ना बरखा। You can count on me, Jia. Thank you very much. अच्छा, मुझे जाना है। पर celebration? इतने पैसों में हम दोनों का नहीं होगा। पूरे रात को खिलाने चली थी। चल पाए। Congrats, girl. बाप तो नौकर है, पहले छोड़ने जाए फिर लेने जाए। ये नहीं हो सकता कि एक फोन कर दे। अरे बच्ची नहीं है, आ जाएगी। बात बच्ची या बड़ों की नहीं है, बात दिमाग की है, दिमाग की। मैंने पहले ही कहा था ये नौकरी वोकरी करना डब्बू के बस की बात है नहीं। उसका ये इंटरव्यू देने जाना वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। पर किसी का क्या जाता है, महेश अग्रवाल है ना गधा मजदूरी करने के लिए। अरे तो किसने कहा है तुझे, तो खुद ही जबरदस्ती जा रहा है उसे लेने। आराम से बैठ अपने घर पे। हाँ आराम से बैठ अपने घर पे। और वो जो पता चला लिफ्ट में फंस गई तुम्हारी पोती तो। अरे
तू जैसे उसे डब्बू समझता है ना, वो डब्बू नहीं है। अरे वो क्या कहते हैं उसे, वो चलने वाली सीढ़ियां जो होती हैं, एस्केलेटर पापा। हाँ हाँ वही एस्केलेटर, उसमें भी फंस सकती है, इतनी डब्बू है वो। नौकरी तो मिलेगी नहीं, बेइज्जती और होगी। लो आ गई। जिया कहाँ रह गई थी तू? तुझे पता कितनी फिक्र हो गई थी हम लोगों को, और ये अपने कपड़ों का क्या हाल बनाया तूने? अरे अंदर तो आने देना, नौकरी ना मिले ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कपड़ों का हाल बनाया अभी तू सिवाय। अरे कुछ बोलोगी? सॉरी। लो देख लिया, हो गई तसल्ली, तमाशा बनवा के आ गई तुम्हारी पोती। पानी तो पीने दे, चाहे नौकरी मिले या ना मिले। मिल गई। नौकरी? जी मिल गई। जिया ने एक बार भी बात नहीं की, बहुत गुस्सा है। कहीं उन्हें रैट का पता तो नहीं चल गया? जिया तो खाम खाम डरती रहती है। अरे कभी तो अपने बाप का पीछा छोड़। हुँ? चल इधर बैठ। अच्छा ये बता, आज रैट में क्या हुआ? शुरुआत से? हाँ बिल्कुल शुरू से। पहले जब मैं वहां पहुंची ना तो बहुत लेट हो गया था, फिर बरखा ने मुझसे कहा कि तू जी आलू की सब्जी के साथ परांठे लेके जाएगी ये बूढ़ी, कल लंच में कुछ लेके जाना है कि नहीं? कुछ भी बना दो माँ। अच्छा ठीक है, आलू की सब्जी के साथ पूड़ी दे दूंगी। हाँ बता फिर क्या? फिर ना फिर बरखा ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ किरण मैम का वेट करो, और पास ही में एक डांस क्लास चल रही थी। तूने डांस किया? नहीं दादी, उस क्लास में से अचानक एक लड़का है, फटाक से मेरा हाथ खींचा और मुझे अंदर ले गया और बोला कि तू दी ये लो बैग, फाइल्स और पेपर रखने के काम आएगा। अच्छा लेकिन तू क्या करेगी? मेरे पास दूसरा बैग है। अच्छा सुन, ये तेरे कल के लिए कपड़े, अब तूने ऑफिस जाना है तो और कपड़े बनवाने पड़ेंगे कि नहीं? मैं देखती हूँ। फिर ना वो क्लास पूरी भरी हुई थी और वो लड़का मेरा हाथ पकड़ के मुझे नचाने लगा। डब्बू जा 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 जा। डब्बू जी जी तो नौकरी मिल गई? कोई अपॉइंटमेंट लेटर वेटर दिया? दिखा। वो नहीं दिया। और काम सारा दिन करवा लिया? हम्म, ध्यान रखना आज की डेट होनी चाहिए उस पे, नहीं तो एक दिन की तनख्वाह खामखा मारी जाएगी। ये सब चोर होते हैं अकाउंटेंट। ये नौकरी परमानेंट है या अभी टेम्पररी रखा है तुझे? पता नहीं। अरे तुझे नौकरी मिली है या पड़ोसी को? पता नहीं, कल पता कर लेना, और ऐसे डब्बूपन मत दिखाना वहां पर। बाहर लोग सीधे नहीं है, दो मिनट में बेच खाएंगे तुझे। वैसे कैसा रहा आज का दिन? जी, आज मैं वो ही तो बता रही थी, सब अच्छा रहा। वैसे लोग भी बुरे नहीं थे, क्यों जिया? जब कल मिलूंगा तब सब पता चल जाएगा। मैं आ रहा हूं तुझे छोड़ने, कल तुम्हारे बॉस से मिलना है।
ये जो घुंघरू है ना, ये जादुई घुंघरू है। एक काम कर, कल ना तू रेड में इस घुंघरू को पहनकर इसके जादू को महसूस कर और फिर डांस कर, देख क्या हो।